नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कार्यभार संभाल लिया है। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे, यहां उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल, यहां पहुंचे अमित शाह, शहीदों को नमन किया और उनके ऑफिस पहुंचने पर किस तरह से उनका स्वागत किया गया है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और कार्यभार संभालने के लिए अपने केबिन की ओर बढ़ते अमित शाह को आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से गृह मंत्रालय संभालते हुए नजर आएंगे अमित शाह, अपना कार्यभार उन्होंने संभाला लगातार दूसरी बार। इस ऑफिस में वो दिखाई देंगे, उनका स्वागत किया गया उनके स्टाफ की ओर से। नई सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय में कार्यभार संभाल रहे हैं। आज सुबह सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यभार संभाला, उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री, मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री, पर्यावरण मंत्री के तौर पर भूपेंद्र यादव, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला। सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह, सुरेश गोपी, गिरिराज सिंह, किरेन रिजिजू, एल मुरुगन ने भी अपने मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया है। हरदीप सिंह पुरी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, गजेंद्र सिंह शेखावत और यहां पर तमाम मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय उनके जिम्मे आया है, एल मुरुगन को भी आप देख पा रहे हैं, तमाम मंत्री जो टीम मोदी का हिस्सा है उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है। दफ्तर पहुंचे सिंधिया और अधिकारियों से मुलाकात की, कहा कि विश्व में संचार विभाग की प्रमुखता है, संचार विभाग दिल से दिल जोड़ने का काम करता है, विभाग में तेजी से काम हो इसे वो सुनिश्चित करेंगे। संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूर संचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास विभाग का पदभार ग्रहण किया, इससे पहले उन्होंने दफ्तर में पूजा की और फिर पदभार लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो गारंटी दी है उसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने किसानों को लेकर जो भी संकल्प पत्र में वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। शिवराज पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं और उन्हें दो विभागों की जिम्मेदारी मिली है। मंत्रीगण यहाँ पे हैं, एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर हम काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूँ बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है, उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा।